नमस्ते, वेलकम टू कोडिंग स्कूल। सो हम सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सी प्रोग्रामिंग का पार्ट 3 वीडियो। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप अभी तक देखे नहीं हो तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए, जिसमें हम पढ़ाए इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज एंड सेकेंड में हम पढ़ाए इंस्टॉल एंड कॉन्फिगर विजुअल स्टूडियो कोड एंड सी कंपाइलर। और आप अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। सो आज इस पार्ट 3 वाला वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडेंटिफायर इन सी। आइडेंटिफायर क्या है, हम क्यों यूज करते हैं सी प्रोग्राम में, आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सो वीडियो पे बने रहिए। ओके, एन आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम असाइन टू एन एलिमेंट इन ए प्रोग्राम, एग्जाम्पल नेम ऑफ ए वेरिएबल फंक्शन। आप आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हो, कुछ फंक्शन क्रिएट करते हो, उसका नाम देते हो, उसको असाइन करने के लिए हमको कैसे पता चलेगा, इसलिए हम एक नाम क्रिएट करते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द यूजर डिफाइंड नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ सी स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट। ओके, आइडेंटिफायर एक यूजर डिफाइंड होता है, जो यूजर अपने आप क्रिएट करता है, जो फ्री डिफाइंड नहीं होता है, वो यूजर क्रिएट करता है अपने हिसाब अपने मुताबिक को जानने के लिए। सो आज द नेम सेज आइडेंटिफायर आर यूज टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए प्रोग्राम। आइडेंटिफायर यूज किया जाता है एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में कुछ भी आप एलिमेंट क्रिएट करते हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं। इस आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक। ओके, जो भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट करते हो, जितने भी आइडेंटिफायर आप वेरिएबल फंक्शन क्रिएट करते हो, उसका सारे जितने भी नेम बनाते हो, जितने भी आइडेंटिफायर बनाते हो, वो यूनिक होना चाहिए। ओके, वो सिमिलर टाइप सेम नहीं होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम जानते हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का रूल्स क्या है, कैसे हम आइडेंटिफायर को क्रिएट करते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन ओनली हैव द अल्फाबेटिक अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड 0 to 9 डिजिट्स। ओके, एग्जाम्पल लेटर्स एंड डिजिट एंड अंडरस्कोर सिंबल आप यूज कर सकते हो, जो भी यहाँ पे मेंशन है, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर सिंबल आप यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर नेम्स मस्ट बी यूनिक, जो भी आइडेंटिफायर आप क्रिएट करते हो वो यूनिक होना चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। आप एक आइडेंटिफायर क्रिएट करते हो, उसका जो स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए वो अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो सकता है, नहीं तो अल्फाबेट से स्टार्टिंग हो सकता है, डिजिट या नंबर से वो स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट यूज ए कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर। क्या कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आपको नहीं बताया, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, यह होता है कीवर्ड। आप आइडेंटिफायर की जगह आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हो। द ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। जो 31 कैरेक्टर क्या है, आइडेंटिफायर का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 31 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो। और इट मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेसेस, इसके अंदर कुछ स्पेस नहीं होना चाहिए, आप स्पेस के बदले आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है क्योंकि मैं बोला था सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, क्योंकि कुछ भी इसमें सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है उसमें एरर दिखाता है। इसमें भी आइडेंटिफायर वो सेम है क्योंकि हम सी प्रोग्राम में इसको यूज करते हैं, सो इसीलिए आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है। एग्जांपल उसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिफायर क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। आपको अभी पता चल गया होगा आइडेंटिफायर हम क्यों यूज करते हैं और कैसे हम एक आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे। ओके, उसके बाद थोड़ा आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आइडेंटिफायर हम लिखेंगे कैसे। ओके, सो एग्जाम्पल इंट यह होता है डाटा टाइप और कीवर्ड क्लास रोल। ओके, जो क्लास रोल होता है यह होता है आइडेंटिफायर, एक इंटीजर वैल्यू है उसका क्लास रोल, वो क्लास रोल को आइडेंटिफाई करता है, कितने रोल मतलब कितने स्टूडेंट है क्लास में, वो क्लास रोल को आइडेंटिफाई करता है। देखिए वो फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ है एक अल्फाबेट से। ओके, स्पेस के बदले यहाँ पे अंडरस्कोर यूज हुआ है। और डबल, डबल एक डाटा टाइप है और मार्क्स यहाँ पे आइडेंटिफायर है, मार्क्स को आइडेंटिफाई किया है मार्क्स। ओके, इसको हम क्रिएट करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को। सो इन द अबव एग्जांपल क्लास रोल नंबर एंड मार्क्स आर आइडेंटिफायर एंड इंट एंड डबल आर कीवर्ड्स। ओके, डेटा टाइप कीवर्ड इंट एंड डबल है एंड क्लास रोल एंड मार्क्स ये होता है आइडेंटिफायर। एंड नीचे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा वैलिड आइडेंटिफायर कैसे होता है, इनवैलिड आइडेंटिफायर कैसे होता है। सो मैं आपको जो रूल्स में बताया था, जो आइडेंटिफायर स्टार्टिंग होता है अल्फाबेट से, लेकिन इनवैलिड में क्या हुआ है, वो नंबर से स्टार्टिंग हुआ है, लिखा हुआ है बिगिंस विद अ डिजिट। ओके, आइडेंटिफायर कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। और लिस्ट सॉरी सम, यहाँ पे सम देखिए वैलिड आइडेंटिफायर
और यहाँ पे देखिए रिजर्व वर्ड CSAR, ये होता है रिजर्व वर्ड कैरेक्टर होता है, क्या होता है एक डाटा टाइप होता है, कीवर्ड होता है, इसलिए वो यूज नहीं होता है आइडेंटिफायर में। और यहाँ पे वैलिड में आप देखिए एक अंडरस्कोर एक्स लिखा हुआ, वो वैलिड है, बट यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है एक्स प्लस वाई। ओके सो मैं आपको जो रूल बताता हूँ उसके हिसाब जो वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर आप जाके चेक कर लेना, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में बता देना। और हमारा कम्युनिटी ग्रुप अभी तक आप ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज कम्युनिटी ग्रुप का लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और आपको अभी तक हमारा सिलेबस भी पता नहीं है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।